शंकर सिंह बघेला का दावा है कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहा और उन्होंने कांग्रेस आला कमान से कहा था कि वे चुनाव में 90 से ज्यादा सीटें जितवा सकते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस को दिया ही है, लिया कुछ नहीं। शंकर सिंह बघेला एक टीवी चैनल के मेगा शो चुनाव मंच पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना होमवर्क के गुजरात में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, जो कांग्रेस ने नहीं की। हालांकि उन्होंने पार्टी आला कमान को इस बारे में 9 महीने तक समझाया। उन्होंने कहा कि आज किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2012 में कांग्रेस आला कमान की गलती की वजह से पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बघेला ने दावा किया कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें किसी भी लोकसभा से लड़ने पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने कभी जनता को धोखा नहीं दिया। बघेला ने कहा कि अलग पार्टी बनाने वाले भी सरकार बनाती हैं। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो वे किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उसी पार्टी की सरकार बनाने में मदद करेंगे जो उनकी पार्टी के 10 सूत्रीय कार्यक्रम में लागू करेगी। रोटी कपड़ा और मकान पर GST खत्म करने वाली पार्टी का समर्थन करेंगे। विकास के सवाल पर बघेला ने कहा कि गुजरात में विकास एक रूटीन प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि विकास गुजरातियों के खून में है। उन्होंने कहा कि विकास एक रूटीन प्रक्रिया है, जैसा एक 15 साल का बच्चा 20 होकर विकास करता है, उसकी दाढ़ी मूछें निकल आती है। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।